हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज में। मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हूं और आशा करती हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो आज हम लाल मिर्च का अचार बनाएंगे। ये अचार बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे एक साल तक स्टोर करके खा सकते हैं। उसके लिए 500 ग्राम लाल मिर्च, आधा कप धनिया और आधा आधा कप दोनों तरह के सरसों लिए हैं। मिर्ची को हम पहले ही पानी से धोकर धूप में सुखा लिए हैं। आप भी इसे 2 से 3 घंटा धूप में ज़रूर सुखाएं। इसे अचार का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अब इसके किनारे वाले भाग को काटकर अंदर से सारे बीज को निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मिर्ची से बीज निकाल कर प्लेट में निकाल लेंगे। अचार में मसाला डालने के लिए पहले उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। उसके लिए पैन में सरसों, धनिया, पीला सरसों, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी और 3 चम्मच सौंफ डालकर थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा हो जाने देंगे। देख सकते हैं कि सारे मिर्च से बीज निकाल लिए हैं और मसाला भी ठंडा हो गया है। अब मसाला को मिक्सिंग जार में डालकर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप इसे फाइन पाउडर ना बनाएं, अचार में दरदरा पाउडर ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मसाला को मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मंगरेला, 1 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। आपको साबुत मिर्च डालना हो तो आप मसाले के साथ ही उसे थोड़ा देर भून लें। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच विनेगर और सरसों तेल डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाले में थोड़ा बाइंडिंग आ जाए उतना ही हम तेल डालेंगे, बाकी तेल को बाद में डालेंगे। अब सारे मिर्च में मसाला भर कर तैयार कर लेंगे। मसाला को अब आराम से दबाते हुए भरे, नहीं तो मिर्च फट जाता है। अब एक एक मिर्च को तेल में डीप करके कांच के जार में रख लेंगे। अचार रखने से पहले जार को धोकर धूप में जरूर सुखा लें, इससे अचार ज्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। जार में सारा अचार रखने के बाद ऊपर से तेल डाल लेंगे। उसके बाद इसे 1 वीक तक धूप में जरूर रखें। 1 वीक बाद आप इसे रोटी, चपाती या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे उसके लिए आप मेरे इस चैनल कुकिंग विद सनराज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।